अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो व्लॉग लेकर आई हूँ वो ये है कि मुझे जाना है बर्थडे पार्टी पर, और मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या पहनूँ, तो क्यों ना आप ही लोगों से पूछ लूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा। मैं कुछ ड्रेस है जो आप लोगों को ट्राई करके दिखाती हूँ, उनमें से जो सबसे अच्छा लगे जो आप बताइएगा मुझको, तो मैं इंशाल्लाह वही ट्राई करूँगी पहनने के लिए। तो लेट्स सी, मेरे पास जो ड्रेस है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिए और मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बताइए कि कौन सा ड्रेस अच्छा है और वो मैं पहन के जाऊँ बर्थडे पार्टी पर। हम लोग आप लोगों को जैसे कि पता है कि यूएसए में रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादियों वगैरह में जाना नहीं होता, तो हम लोग घरों में इसी तरीके से बर्थडे पार्टी वगैरह और गेट टुगेदर या जो भी यहाँ के इवेंट होते हैं, लाइक थैंक्स गिविंग हो गई या क्रिसमस हो गई या न्यू ईयर हो गया, इस तरह की जो भी यहाँ की होती हैं वही इवेंट वही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो मैं आपको अपने ड्रेस दिखाना शुरू करती हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि मैं ड्रेस दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ड्रेस है और ये इसके ऊपर सितारों का वर्क हुआ हुआ है। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो इस तरीके से ही है। और नीचे से ये एयरलाइन है, मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आपको मैं अपना नेक्स्ट ड्रेस जो है मैं इसी तरीके से दिखाऊंगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, तो मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो लेट्स सी कि मैं आपको अब दूसरा ड्रेस अपना दिखाती हूँ और उसके साथ क्या ज्वेलरी पहनूंगी, हर चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो सूट मैंने अभी ड्रेस अभी ट्राई किया था, ये वही ड्रेस है। तो इसके साथ इस तरह से मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इस तरह के इयर रिंग पहनूँ, झुमकियाँ। तो ये झुमकियाँ टाइप की हैं और इसमें जो ये सूट का कलर है इस तरह का है, ग्रीन कलर भी है और बाकी और मल्टी कलर है, मतलब रेड है और इस तरह से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये पहनती हूँ, बट अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके साथ ये पाउच है, छोटा सा क्लच। और मैंने सोचा अगर मैंने ड्रेस पहना है तो मैं ज़रूर ये कैरी करूँगी। और ये आगे से इस तरह का दिख रहा है और ये पीछे से इस तरह का है, तो बहुत छोटा सा खूबसूरत सा है। एटलीस्ट मेरा सेलफोन इसके अंदर आ जाएगा तो मुझे उठाने में इजी रहेगा, बहुत खूबसूरत सा है। और ये इसके साथ प्लाजो टाइप का ट्राउज़र है, ये मैंने पाकिस्तान से बनवाया था, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से प्लाजो है, काफ़ी बड़े पैंचे हैं इसके क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त यही फैशन में इन था। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 19 में पाकिस्तान गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में फैशन। और ये सैंडल हैं, ये मैंने यहाँ पर बर्लिंगटन से लिए थे, तो ये सैंडल हैं। ये मैं सोच रही हूँ अगर मैंने ये ड्रेस पहना तो मैं ज़रूर ये पहनूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसके साथ ये जो है ये बहुत ज़्यादा काम वाला और शाइनिंग है, काफ़ी हेवी ड्रेस है ये, इस पर इस तरीके से सितारों का काम हुआ हुआ है, लेकिन पहनने में बहुत हार्ड होता है और इसमें काफ़ी वज़न भी काफ़ी है, देखने में बहुत भारी है ये। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी अब आपको मैं दिखाने लगी हूँ दूसरा ड्रेस। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस है और बहुत खूबसूरत इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, और ये इसके ऊपर कुछ गोटे का काम है और कुछ कामदानी वगैरह है, और ये इस तरह से छोटे छोटे इसमें स्टोन लगे हुए हैं और कुछ लाइक पोल्की का काम बोल रहे थे लोग, तो मुझको कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअली, मैं काम के बारे में इसमें जानती नहीं हूँ। इस तरीके से बहुत अच्छे खूबसूरत बंज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस। ये रॉयल ब्लू कलर का है, मुझे बहुत पसंद है, ये फुल ड्रेस है और ये आपको ये आपके फीट को भी टच करता है इतना, यानी कि फ्लोर को टच करता है, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। और स्लीवलेस है इसकी, साथ इसकी शमीज़ में स्लीव्स थी बट मैंने स्लीव्स नहीं लगवाई क्योंकि
क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत थी स्लीव्स की, ये वैसे ही देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसको ए टू जी मैंने रेडीमेड लिया था, मैं इसी तरह का पहनना पसंद करूँगी इसको। अगर ये मैं पहना तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से पहनूँगी। इसके साथ ये दुपट्टा है, तो ये इसके ऊपर भी छोटे छोटे छन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टोन है एक्चुअली, छोटे छोटे स्टोन है, और ये प्यारी सी खूबसूरत सी बेल है ये, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसके साथ ये इस तरह के इयररिंग है ये पहनूँ, तो लेट्स सी कि मैं क्या पहनती हूँ। बट अगर मैंने पहनने की सोच रही हूँ तो मैं या तो ये इयररिंग पहनूँगी, और क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इसका नेक थोड़ा सा नेक इसका लाइक ओपन है आगे से, तो इसके ऊपर इस तरह का नेकलेस जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये नेकलेस है, ये बहुत खूबसूरत है। ये सब चीज़ मैंने पाकिस्तान से ली थी, यहाँ भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंडिया की और हर चीज़ मिलती है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत नाजुक नाजुक सा है। तो इसके साथ मैंने ये झुमके लिए थे, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। इसके ऊपर पल्स लगे हुए हैं, मुझे इस तरह के इयररिंग झुमके बहुत पसंद हैं, और मुझे एक्चुअली झुमके बहुत पसंद हैं, मैं झुमके बहुत शौक से पहनती हूँ। तो अगर मैं ईस्टर्न ड्रेस पहनूँ तो उसके ऊपर मुझे इस तरह की ज्वेलरी पसंद आती है, और मैं पहनना पसंद करती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए पहनूँ लेकिन मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। और ये सैंडल है, तो इस तरह का ये सैंडल है, इसके ऊपर भी ये पल्स लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये भी मैंने पाकिस्तान से लिए थे, तो अगर मैंने ये ड्रेस पहना तो इसके साथ में आई गेस यही वाला कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये भी इस पर भी जा रहा है, तो इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि अगर ये वाला पहनूँ ड्रेस में तो इसके ऊपर यही कलर यूज़ करूँ। तो लस ये देखें मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन के जाना चाहती हूँ। तो आप लोग बताइए कि मुझे आपको मेरा कौन सा ड्रेस आपको सबसे अच्छा लगा। अब आपको मैं नेक्स्ट ड्रेस दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लैक सूट है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहनूँ, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये ब्लैक है, ये भी लॉन्ग ड्रेस है मेरा, और ये इसके साथ प्लाज़ो है। तो इसका प्लाज़ो आप देखिए बहुत खूबसूरत है, इसके नीचे भी गोटा लगा है, ये इस प्लाज़ो की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहनूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चॉइसेस बहुत मुश्किल है। तो ये इसका प्लाज़ो है इस तरह का, बहुत इसके खुले खुले पैंचे हैं, आप देख सकते हैं। तो और ये ड्रेस ख़ुद ही आप वैसे भी बहुत खूबसूरत है, अगर ये ड्रेस पहनूंगी तो इसके साथ ये मेरे माइकल कोर्स के शूज़ हैं, आप लोग देखिए ये अच्छे हैं, ये मैंने मेसी से लिए थे। तो इस तरह के शूज़ हैं, अच्छी हील है इसके अंदर, बहुत स्टाइलिश लगता है। और इसके साथ मैंने अगर पहना तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ इयररिंग इस तरह की पहनूंगी, या तो ये पहनूंगी या ये पहनूंगी, ये भी बहुत प्यारी है। इसके साथ नीचे छोटी सी झुमकी लगी हुई है, साथ में नीचे से इसके ये स्टोन भी लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर या तो ये पहनूंगी या ये पहनूंगी, तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। इसके साथ अगर लूँगी तो ये हैंडबैग लूँगी, ये भी बहुत छोटा सा बहुत खूबसूरत सा है, ये विक्टोरिया सीक्रेट का है, आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत प्यारा है। ये मैंने यहाँ से, ये भी मैंने मॉल से लिया था। तो अगर मैं ये ड्रेस पहना तो ये लूँगी, इसमें भी मेरा आराम से काउच फ़ोन भी आ सकता है, सॉरी इसमें आराम से मेरा फ़ोन भी आ सकता है, और जो भी अगर जिससे मैं इसके अंदर रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ, अच्छा है, बहुत कम्फर्टेबल है, आप अपने शोल्डर पर हैंग कर सकते हैं। तो इसके साथ इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, इसमें भी गोटा लगा है, जो आपके ट्राउज़र मेरे प्लाजो में लगा है गोटा, वही गोटा इसमें भी लगा हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी छोटा छोटा सा काम है, और ये काम मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये आप देखिए इसके अंदर दबके का काम है,
ये मैंने यहाँ अमेरिका से ही बाई किया था, ये मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया था। ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा ड्रेस है ये मेरा, मुझे बहुत पसंद है और पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके नीचे इस तरीके से गोटे का काम है, ये आप देखिए होल ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे इस तरीके से नीचे भी गोटा लगा हुआ है, तो पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी अपनी एक जगह है मेरे लिए, ये मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस। कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये पहनूँ, ऐसे भी तो विंटर है, विंटर में ब्लैक कलर अच्छा लगता है, और वैसे भी ब्लैक कलर तो मैं कभी भी पहनूँ, मुझे बहुत पसंद है। इसका नेक आप देखिए बहुत खूबसूरत है, और इसकी ये फुल स्लीव्स हैं, इसके ऊपर भी सितारे लगे हुए हैं सारे, आप देखिए इसका काम बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत नफीस काम है इसके ऊपर। ये सूट मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ से बाय किया था मैंने, और पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, तो आई थिंक मैं ये पहनूंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा फोर्थ नंबर का सूट, और इस तरीके से ये वॉलवेट का है। वॉलवेट ये मैंने सूट पाकिस्तान से लिया था, और पाकिस्तान में उस वक्त बहुत ज़्यादा फैशन में इन था वॉलवेट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इसका वॉलवेट का ड्रेस ले लेती हूँ, मैं भी एक ले लेती हूँ, सभी बना रहे हैं तो भाई मैं क्यों नहीं बनाऊँ, तो इसलिए मैंने भी बना लिया। आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, इसका ये बेनेक है और इस तरीके से इसके ऊपर ये काम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत काम है। मुझे समझ में नहीं आता ये इस काम को क्या बोलते हैं, लेकिन बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत नाजुक नाजुक सा और खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि और इसके साथ ये बनारसी सिल्क है, उसका ट्राउज़र है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका ये ट्राउज़र है, और ये ट्राउज़र भी इसका बहुत खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद था, ये डार्क पर्पल कलर है, और इसके साथ ये दुपट्टा था, इसके ऊपर मैंने गोटा लगाया था, ये आप देख सकते हैं कि गोटा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये गोटा, नोको वाला गोटा, इस तरह का गोटा मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दुपट्टों पर ही लगाऊं, और आजकल जो टेसल वाली लेस चल रही है वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो मुझ वो भी मैं बहुत ज़्यादा लगाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, और ये इसका सेट है मैचिंग का, अगर मैंने पहना तो मैं ये पहनूंगी। इसका नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए बहुत नाजुक नाजुक सा है और बहुत खूबसूरत लगता है पहनने में, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसके साथ बहुत प्यारी सी ये झुमकियाँ हैं गोल्डन कलर की, ये आप देखिए बिल्कुल ये मैचिंग का है, इसके साथ मैचिंग का ही लिया था ये, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, और जब इसको पहनूंगी तो ऑफकोर्स इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर ये मैंने ये ड्रेस पहना तो आप लोग बताइए कि आपको कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा, तो आई विल ट्राई कि मैं वही ड्रेस पहनूंगी। तो अगर मैंने ये ड्रेस पहना तो इसके साथ शायद, मुझे पता नहीं है, मैं इसी तरह के ही सैंडल पहनूं, तो लेट्स सी कि मैं क्या पहनती हूँ, अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो और वैसे भी आज बहुत थकन हो चुकी है, तो आप लोग बताइएगा मुझको कि आपको कौन सा ड्रेस मेरा सबसे अच्छा लगा, और आपका आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, तो प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और सो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि आपको सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा, और मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, तो प्लीज़, और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग के साथ रखिएगा मुझे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मुझे दुआ देते रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग लेकर आती रहूँगी कुछ ना कुछ बनाकर, तो आप लोग देखेंगे, आप लोग भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।